दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम में अपना दूसरा आईडी आप क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आप इंस्टाग्राम में एक आईडी आपका बना हुआ है लेकिन आप दूसरा आईडी बनाना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि इंस्टाग्राम के अंदर एक दूसरा आईडी कैसे बनाया जाता है, इंस्टाग्राम के अंदर एक नया अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो आप एक नया अकाउंट कैसे बनाएंगे जो आपका दूसरा अकाउंट बन जाएगा, तो वीडियो आप ध्यान से देखिए तभी आपको पता चलेगा और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में और आपको कोई भी परेशानी भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप यहां से बैक आ जाइए, बैक आने के बाद अपने इंस्टाग्राम को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए या आपको नीचे लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप इसे ओपन कर लीजिए। अगर आपका पहले से आईडी है तो अपना आईडी आप यहां पर लॉग इन कर सकते हैं या आप अपना आईडी लॉग इन बाद में कर सकते हैं। आप अपना पहला एक नया अकाउंट बना लीजिए तो यहां पर आपका प्रोफाइल मिलेगा, अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपको मिलेगा आपका यूजर नेम, अपने यूजर नेम पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यूजर नेम पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप ध्यान से देखिए हमारा यहां पर पहले से एक अकाउंट बना हुआ है, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, लेकिन हमें एक और अकाउंट बनाना है तो यहां पर मिल जाएगा आपको ऐड अकाउंट। अब आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहां पर मिलेगा आपको क्रिएट न्यू अकाउंट, आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज निकल के आ जाएगा। यहां पर आपको दिखाई देगा यूजर नेम। अब यहां पर आपको अपना यूजर नेम सेट करना होगा जैसा आप अपना यूजर नेम बनाना चाहते हैं, तो हम यहां पर इस तरीके से यूजर नेम बनाना चाहते हैं। अगर आपका यूजर नेम अवेलेबल होगा तो आपके सामने निकल के आ जाएगा। अगर आपका यूजर नेम अवेलेबल नहीं होगा तो इसमें आपको कुछ डिफरेंट अंक यूज करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने यहां पर यूज किया है, अभी ये अवेलेबल नहीं है तो हम यहां पर क्या करेंगे इसे हटा देंगे और यहां पर हम ये अंक यूज कर लेते हैं। आप देखेंगे हमारा ये अवेलेबल है तो आपका यहां पर राइट टिक लग जाएगा। अगर आपका अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें फिर से डिफरेंट अंक यूज कर लेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पासवर्ड बनाने का पेज आ जाएगा। पासवर्ड आपको स्ट्रांग बनाना होगा ताकि किसी को पता न चले, यानी कि आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो हम यहां पर एक नया पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहां पर एक नया पासवर्ड बना लिया है। अब आपको यहां पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपका यूजर नेम आ जाएगा और सेव बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा कंटिन्यू, यहां पर आ जाएगा कंप्लीट साइन अप और यहां पर आ जाएगा ऐड न्यू फोन और ईमेल। अब आपको यहां पर दिखाई देगा कंप्लीट साइन अप, आपको कंप्लीट साइन अप पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंप्लीट साइन अप पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा और आपका यहां पर अकाउंट जो होगा वो आपका साइन अप हो जाएगा। अगर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहीं पर नीचे एक विकल्प दिख रहा था मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए और ईमेल आईडी ऐड करने के लिए, तो अगर ऐड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब यहां पर मिलेगा आपको गेट फेसबुक सजेशंस। अगर आप फेसबुक के सारे पीपल अपने इंस्टाग्राम पर लेना चाहते हैं तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना होगा, तो लेकिन हम अभी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा स्किप बटन। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा फाइंड फ्रेंड। अगर अपने फ्रेंड को आप फाइंड करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं तो आप फाइंड फ्रेंड पर क्लिक कर देंगे, लेकिन हम अभी इसे स्किप कर देते हैं। जैसे आप इसे स्किप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ऐड प्रोफाइल फोटो। अगर अपना प्रोफाइल फोटो लगाना चाहते हैं तो ऐड ए प्रोफाइल फोटो पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आपके सामने आ जाएगा चूज फ्रॉम गैलरी यानी कि लाइब्रेरी। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी फोटो सेट करना चाहते हैं अपना फोटो आप यहां से ले लीजिए। जैसे अपना फोटो आप ले लेंगे, लेने के बाद यहां पर आ जाएगा क्रॉप योर फोटो। अगर अपनी फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी फोटो को इस तरीके से आप क्रॉप भी कर पाएंगे, तो जैसे हमें अपनी फोटो को क्रॉप नहीं करना है और यहां पर राइट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा प्रोफाइल फोटो एडिट और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल फोटो आपके पोस्ट में शेयर हो जाए यानी कि आपके अकाउंट पर भी अपलोड हो जाए तो आप इसे चालू रखेंगे, नहीं तो आप इसे बंद कर देंगे और आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपके सामने बहुत सारे अकाउंट निकल के आ जाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, आपके किसी भी अकाउंट को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो यहां से आप इस पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां से फॉलो नहीं करेंगे और इस एरो बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बनके तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर एक नया अकाउंट बना सकते हैं। अब आपको यहां पर अपने अकाउंट पर क्लिक करना होगा और आपका प्रोफाइल यहां पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से आप फोटो स्टोरी
और रील्स वीडियो सब कुछ आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा आज का वीडियो देखने के बाद आप सीख गए होंगे कि इंस्टाग्राम का अकाउंट एक नया कैसे बनाते हैं, और अगर आपका पहले से बना हुआ है तो अपना तीसरा या दूसरा अकाउंट कैसे बनाएंगे। अगर आपका दूसरा अकाउंट बन जाए और अपना पहला वाला लॉगिन करना चाहते हैं तो आप अपने पहले आईडी पर क्लिक कर दीजिए और आपका पहला वाला अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा आज का वीडियो देखने के बाद सीख गए होंगे कि आप एक नया आईडी कैसे बना सकते हैं, इंस्टाग्राम का दूसरा आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।